आज अमूल भारत के पशुपालकों के सामर्थ्य की पहचान बन चुका है। अमूल यानी विश्वास, अमूल यानी विकास, अमूल यानी जन भागीदारी, अमूल यानी किसानों का सशक्तिकरण, अमूल यानी समय के साथ आधुनिकता का समावेश, अमूल यानी आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा, अमूल यानी बड़े सपने, बड़े संकल्प और उससे भी बड़ी सिद्धियां। आज दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में अमूल के प्रोडक्ट को निर्यात किया जाता है। 18,000 से ज्यादा दुग्ध सहकारी मंडली, 36 लाख किसानों का नेटवर्क, हर दिन 3.5 करोड़ लीटर से ज्यादा दूध का संग्रहण, हर रोज पशुपालकों को 200 करोड़ रुपए से अधिक का ऑनलाइन पेमेंट, यह आसान नहीं है। छोटे छोटे पशुपालकों की यह संस्था आज जिस बड़े पैमाने पर काम कर रही है, वही तो संगठन की शक्ति है, सहकार की शक्ति है। भाइयों और बहनों, दूरगामी सोच के साथ लिए गए फैसले कई बार आने वाली पीढ़ियों का भाग्य कैसे बदल देते हैं, अमूल इसका भी एक उदाहरण है। आज अमूल के ये नींव सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन में खेड़ा मिल्क यूनियन के रूप में रखी गई थी। समय के साथ डेयरी सहकारिता गुजरात में और व्यापक होती गई और फिर गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन बनी। आज भी ये सरकार और सहकार के तालमेल का बेहतरीन मॉडल है। ऐसे ही प्रयासों की वजह से हम आज दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश हैं। भारत के डेयरी सेक्टर में 8 करोड़ लोग सीधे जुड़े हुए हैं। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो भारत में दूध उत्पादन में करीब करीब 60% वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भी करीब करीब 40% बढ़ी है। दुनिया में डेयरी सेक्टर सिर्फ 2% की दर से आगे बढ़ रहा है, जबकि भारत में डेयरी सेक्टर 6% की दर से आगे बढ़ रहा है। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर की एक सबसे बड़ी विशेषता है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं इस विषय पर भी विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं। भारत में 10 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले डेयरी सेक्टर की मुख्य कर्ता धर्ता देश की नारी शक्ति है। हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। आज देश में धान, गेहूं और गन्ने को भी मिला दें तो भी इन फसलों का टर्नओवर 10 लाख करोड़ रुपए नहीं होता, जबकि 10 लाख करोड़ टर्नओवर वाले डेयरी सेक्टर में 70% काम करने वाली
हमारी माताएं बहनें बेटियां भारत के डेयरी सेक्टर की असली रीढ़, असली बैकबोन यही महिला शक्ति है। आज अमूल सफलता की जिस ऊंचाई पर है वो सिर्फ और सिर्फ महिला शक्ति की वजह से है। आज जब भारत विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है तो भारत के डेयरी सेक्टर की ये सफलता उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं मानता हूं कि भारत को विकसित बनाने के लिए भारत की प्रत्येक महिला की आर्थिक शक्ति बढ़नी उतनी ही आवश्यकता है। इसलिए हमारी सरकार आज महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए भी चौतरफा काम कर रही है। मुद्रा योजना के तहत सरकार ने जो 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी है उसकी करीब 70% लाभार्थी बहनें बेटियां ही है। सरकार के प्रयास से पिछले 10 साल में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने इन्हें 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक मदद दी। सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत देश में जो 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए हैं उनमें से ज्यादातर घर भी महिलाओं के नाम है। ऐसी अनेक योजनाओं की वजह से आज समाज में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ी है। आपने नमो ड्रोन दीदी अभियान के बारे में जरूर सुना होगा। इस अभियान के तहत अभी शुरुआत में गांव के स्वयं सहायता समूहों को 15,000 आधुनिक ड्रोन दिए जा रहे हैं। ये आधुनिक ड्रोन उड़ाने के लिए नमो ड्रोन दीदियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब गांव गांव में नमो ड्रोन दीदियां कीटनाशक छिड़कने से लेकर खाद छिड़कने में भी सबसे आगे रहेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि यहां गुजरात में भी हमारी डेयरी सहकारी समितियों में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुझे याद है जब मैं गुजरात में था तो हमने डेयरी सेक्टर से जुड़ी महिलाओं के लिए एक और बड़ा काम किया था। हमने सुनिश्चित किया कि डेयरी का पैसा हमारी बहनों बेटियों के बैंक खातों में सीधा जमा हो। मैं आज इस भावना को विस्तार देने के लिए भी अमूल की प्रशंसा करूंगा। हर गांव में माइक्रो एटीएम लगने से पशुपालकों को पैसा निकालने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में पशुपालकों को रुपए क्रेडिट कार्ड देने भी उसकी भी योजना है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पंचमहल और बनासकांठा में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। भाई और बहनों, गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है।